हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अस्तरवाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप इस वीडियो में देखेंगे कि अस्तरवाला ब्लाउज कैसे सिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैन कपड़ा लिया है और इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है। फिर हम अस्तरवाला पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और रखने के बाद साइड में सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो उसको ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो हमने देखिए कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पलेटें से लेंगे। जो पहली वाली प्लेट है वो हमें 1 इंच चौड़ी सिल लेनी है और जो बाकी 3 पलेटें हैं वो हम 1/2 इंच चौड़ी से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पल्ले में प्लेटें सिल ली हैं। देखिए इस तरह से, जो पहली वाली प्लेट है वो हमने 1 इंच चौड़ी सिली है और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पल्ले में प्लेटें सिली हैं। तो अब हम दोनों पल्ले को सीधा रखेंगे। देखिए जो बीच वाली प्लेट है वो देखिए हमारी 1 बराबर आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो हमने आई वाली पट्टी सिल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। हुक वाली पट्टी हम अस्तर से सिलेंगे। तो अस्तर वाली पट्टी को इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम दोनों पल्ले को बराबर रखेंगे और यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे। बड़ी सिलाई हमें लगानी है, ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बीच में सिलाई लगा दी है और हमारा आगे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम पीछे वाला पल्ला तैयार करेंगे। हमारा मैन कपड़ा है, इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर वाला पल्ला रखेंगे। 1 बराबर रख लेना है और रखने के बाद साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग कर दी है।
अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में पलेटें सिलेंगे। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट सिल लेनी है। तो हमने दोनों प्लेटें सिल ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। दोनों शोल्डर को हमें सिल लेना है। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों शोल्डर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा दिया है। ऊपर की तरफ हमने 16 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ हमने 13 इंच पर निशान लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बाजू को तैयार कर लेते हैं। जो हमारी मेन बाजू हैं इनकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो अस्तर वाली बाजू हैं पहले इसमें निशान लगाएंगे दोनों तरफ से। और निशान वाली साइड हम ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद पहले एक बाजू को सिल लेते हैं। नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की साइड भी हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। देखिए सीधी तरफ से हमारी बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। नीचे से इस तरह से फोल्ड करके, तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इसकी देखिए अस्तर में हमने जो निशान लगाया है वो ऊपर की तरफ है और दूसरी बाजू में भी हमने देखिए निशान लगाया है वो ऊपर की साइड है। तो इस तरह से अगर बाजू सिलोगे तो जो कट है वो देखिए आमने सामने आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजू में लेस को सिलेंगे। इस तरह से रख के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को सिल लिया है। तो अब हम एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज लिया है और जो हमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए और जो हमने साइड में कट लगाया है वो हमारा कट आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो हमने बीच में कट लगाया है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए, इससे बाजू की फिटिंग अच्छे से आती है। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने डबल सिलाई भी लगा दी है और एक बाजू हमारी देखिए सिलकर तैयार हो गई है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। अच्छे से पल्ले को बराबर रख लेना है। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी है 11 इंच, तो 11 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
नीचे से हमें इस तरह से बराबर रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। दूसरी तरफ भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों तरफ से डबल सिलाई लगाएंगे। साइड में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो हमने दोनों तरफ से देखिए ब्लाउज की फिटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम तिरछे में पट्टी निकालेंगे और ये भी पट्टी हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पट्टी निकाली हैं। तो पहले हम इनको इस तरह से सिल लेते हैं। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने देखी दोनों पट्टी को सिल लिया है। ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और बराबर कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज के ऊपर हमें इस और भी पट्टी को इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इस और भी पट्टी को सिल लेना है। यहाँ पर हमें बची हुई पट्टी की कटिंग कर देना है। तो हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो अब हम पाइपिंग सिलेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें इस तरह से ऊपर रखना है और जो हमने 1/2 इंच की पट्टी बाहर की तरफ रखी थी उसको भी फोल्ड करेंगे। फिर हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है और इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें सिलाई यहाँ पर डबल लगानी होगी, इससे पाइपिंग हमारी उधड़ेगी नहीं। तो इस तरह से हम पाइपिंग को सिलते जाएंगे। ध्यान रखना है कि जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर ही रखे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगाना है, इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है, देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग को सिल सकती हैं। तो हमारा देखिए ब्लाउज इतना सिलकर तैयार हो गया है। पीछे की तरफ हमें डोरी लगा लेनी है, तो यहाँ पर हमने डोरी लगा दी है। अगर आप लोगों को डोरी कैसे बनाते हैं वो सीखना है तो मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि ब्लाउज की डोरी कैसे बनाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकती हैं। इससे आप डोरी बनाना सीख जाएंगी। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।